हम एकदम फ्री में बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, एकदम चाहते हैं कि दिन रात चौबीस घंटा सिर्फ बच्चा के बारे में सोचे, उसको फ्री में पढ़ाएं, उसका संपूर्ण विकास कराएं, उसको मेडिकल करवाएं, उसको इंजीनियरिंग करवाएं, और जो करना चाहता है वो करवाएं, सही नहीं? ऑनलाइन फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम ये सुविधा दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ा सकें। लेकिन बोर्ड लेने जा रहे हैं ना बढ़िया वाला, वो कह रहा है कि 3 लाख रुपये लगेगा सर, यही नहीं? हम बोले फ्री में दे दो भाई, हम फ्री में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो बोले ना 3 लाख लगेगा। इंटरनेट वाला कह रहा है कि महीना में बढ़िया कनेक्शन चाहिए, तो आपको 1000 रुपये अगर कम में खर्च करना पड़ेगा। समय पूरता है तो मकान मालिक जो है किराया के लिए एकदम धना धन धना धन धना धन फोन करना शुरू कर देता है। कोचिंग का मकान मालिक अलग, कहीं और रहते हैं उसका अलग, नहीं, पेट्रोल लेने जाते हैं तो अलग पैसा मांगता है, बच्चों के स्कूल में अलग पैसा मांग रहा है, समझे ही नहीं? हाँ, पत्नी कहीं मान लिया जाए गहना के लिए कह दी या कुछ कह दी कि खरीद के लेते आइए, तो उसके लिए अलग पैसा लग रहा है। इवन भोजन करने के लिए जो लोग जानता है कि पढ़े खाएगा नहीं तक पढ़ाएगा कैसे, वो भी पैसा ले ले रहा है। तो बताइए ना, हम फ्री में कैसे पढ़ा दें? कई लोगों को अभी तक जीवन में हम फ्री में पढ़ा चुके हैं, बहुत सहयोग कर चुके हैं, हमको सहयोग का जरूरत है कहाँ? कोई खड़ा है जी? कोई तो नहीं खड़ा है, समझे ही नहीं? हम तो कहते हैं ना कि पूरा व्यवस्था ही सब सेटअप कर दे, हम दिन भर फ्री में पढ़ाते हैं दिन भर, है तो सारा समाज सारा सिस्टम भ्रष्ट हो जाए, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाए। शिक्षक एकदम आइडियल चाहिए, काहे भाई शिक्षक को सुपरमैन समझ लिए हो? अरे कल टीचर दिवस था ना जी, कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कल पढ़े ना थे? अब आप मास्टर वाह, यही नहीं? ठीक है, लड़का मास्टर रहे सरकारी नहीं रहे, शादी में दिक्कत हो जाता है महाराज, समझे कि नहीं? चलिए, ज़्यादा बकैती करने से कोई फायदा है नहीं, है तो समझिएगा।